ये देखो भाई क्या हाल है मेरे डूम का तो इसको भी साफ कर लेते हैं थोड़ा, नहीं तो मुझे ना गंदे एनवायरनमेंट में पढ़ने की आदत है नहीं। सो लेट्स डू इट। फाइनली एंटायर रूम इज क्लीन, अब पढ़ाई हो सकती है भाई अच्छे से। सो हाय पीपल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 26 नवंबर और आज है कैट 2023। तो मुझे अभी करीबन मैं बहुत लेट से उठा हूँ, तो जब मैं अपने दोस्तों को मैंने कॉल किया था जिसका ऐसा फर्स्ट लॉग था उसे खत्म हो गया है, एंड दे ऑल वर टेलिंग की मैथ्स यानी QA का जो पेपर था ना इट वॉज द टफेस्ट। वो कुछ कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जब से डिजिटल कैट शुरू हुआ है ना तब से इट वॉज द हार्डेस्ट पेपर। तो मतलब मेरा सुन के दिमाग खराब हो गया, बट उन्होंने यही कहा है कि मतलब VRC वॉज डूएबल इन द फर्स्ट सेक्शन, VRC वॉज ईजी, रीजनिंग वॉज डूएबल, एंड क्वांट सेक्शन इट वॉज समथिंग फिनोमिनल। अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग के क्वेश्चन बन रहा था, तो इट वॉज लाइक नॉट दैट ईजी। तो मेरा यार दिमाग खराब हो गया सुन के सब की क्वांट वॉज द हार्डेस्ट जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आई एम लखनऊ के पेपर सेटर के कारण। सो एनीवे, तो अभी तो मैं बहुत लेट से उठाऊ, जब फर्स्ट लॉट खत्म हो गया तो उसके बाद मैं उठाऊ करीबन 12 बजे, बिकॉज आई स्लेप्ट ऑलमोस्ट 4 इन द मॉर्निंग अपना काम खत्म करके। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा है कि जब मैं लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया उसके बाद ही मुझे बहुत सारा काम था, उसके बाद मैंने खत्म करके मैं सोया हूँ। तो अभी तो उठाऊ तो अभी यार पढ़ाई करना पड़ेगा, अब तो लगता है और मोटिवेशन मिल रहा है, मोटिवेशन कह लो डर कह लो, बट इट्स समथिंग कि और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्पेशली कॉन्ट्स। मुझे लगा था कि आई कैन डू रीजनिंग एंड डी लाइक एंटायर DALR, आई कैन डू इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू द क्वांट सेक्शन मुझे लगा था कि आई विल टारगेट अरिथमेटिक मोर और ज़्यादा कुछ नहीं, बट अब नहीं यार, अब सब कुछ करना पड़ेगा। जहाँ तक अभी तो इनफैक्ट कंक्लूजन ही निकाल सकते, अभी तो एक पेपर हुआ है, अभी आने दो, फिर हम लोग कोचिंग जाएंगे तो वहाँ एनालिसिस होगा कि क्या है, किस चीज़ को कितनी टफनेस के रूप से देखना है। बट एनीवे, तो अभी तो मैं उठाऊँ तो अभी मैं टेस्ट दूंगा, सेक्शनल टेस्ट, 2-3 टेस्ट है, कल का एनालिसिस बाकी है तो वो करूँगा, उसके बाद आई प्रिपेयर माई लंच, उसके बाद थोड़ी देर और पढ़ाई करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, एंड शाम को मैं कहीं जाना है तो वो करेंगे। सो बी टिल दी एंड एंड वॉच हाउ माई डे गोज। सो ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ बनाने का मन तो कर नहीं रहा, और आज जिम भी नहीं है, सो इट वोंट बी एन इशू इफ आई स्किप माई ब्रेकफास्ट एंड डायरेक्टली हैव लंच। तो अभी मैं ठेका खा रहा हूँ, सो ये प्रसाद है हमारा छठ पूजा जो होता है बिहार में उसका, तो 2-3 खा लूंगा ये और पानी पी लूंगा, और उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, उसके बाद लंच बस प्रिपेयर करना होगा, तो ज़्यादा झंझट है नहीं। सो अभी ना मेरी कोचिंग के सीनियर से बात हुई, ही इज़ वन ऑफ द टॉपर्स एटलीस्ट इन दी VRC सेक्शन, और बाकी सेक्शन भी उनका अच्छा है। सो ही वॉज टेलिंग कि उनका जो क्वांट है ना वो पूरा मेस्ड अप हो गया है। सो ही हैज़ अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन इन VRC, ऑल 24 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इन DIRR, एंड 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया वो क्वांट पे, बट आई बिलीव दैट ही वर्कड मोर ऑन एक्यूरेसी, ही इज़ क्वाइट मेच्योर, सो ही वोंट बी अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन, नहीं तो उन्होंने शायद एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया, बिकॉज उनको पता चल गया था कि पेपर टफ है तो इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट करने का फायदा है नहीं। हमें भी सर ने यह बताया था कि जब लगे कि कुछ भी क्वेश्चंस नहीं बनने समझ जाना कि पेपर हार्ड सेट हुआ है, तो परसेंटाइल बहुत कम पे ही ज़्यादा आ जाएगी, तो इसलिए एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए, तो शायद उन्होंने वही मेथड फॉलो किया है। सो ही हैज़ अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चन, सो ही इज़ टेलिंग कि VA वॉज ईजी जैसे मैंने बताया पहले भी आपको, तो इट इज़ गुड। मुझे तो यार पता नहीं, एक्साइटमेंट भी हो रही है और डर भी लग रहा है, जबकि हम लोग एक साल दूर है लेकिन तब भी ये सब सुन रहे हैं ना, तो लग रहा है कि उस दिन क्या होगा। तो आज से एग्जैक्टली ऐसे मैंने दिखाया कि 365 डेज है हमारे पास, 365 दिन पूरा एक साल की मतलब हम लोग कर सकते हैं, तो आज ही के दिन हम लोग का यही हालत रहेगा यार। बट या मुझे अभी लगता है कि यार ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा कॉन्स पे ज़्यादा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ, इनफैक्ट अभी तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बट तब भी, सो येस इट इज़ एक्साइटमेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स लाइक बिकमिंग फियरफुल और फ्राइटनिंग। सो एनीवे, तो अभी तो सेक्शनल टेस्ट हमने दे दिया है, तो अभी समय है कि वी गो टू रेस्ट ऑफ अ वर्क, देन आई विल प्रिपेयर माई लंच। और इसका 40 रुपए आधा किलो 65 रुपया।
सो ये है हमारा चावल और ये है दाल। तो अभी सब्जी प्रिपेयर कर लेते हैं कि सब्जी में क्या बनानी है, बिकॉज दाल और चावल से तो नहीं खा सकते। सो फाइनली हमारा खाना रेडी हो गया है। तो चावल, दाल, उसमें थोड़ा घी डाला है, पापड़ मेरा फेवरेट, और बैंगन का भरता जो कि बनाया था, जो कि सप्लीमेंट्री टाइप था। तो इस सब को बनाने में मुझे करीबन 40 मिनट लगे। तो अभी का और रात का डाइट तो सॉर्टेड हो गया भाई मेरा। सो फाइनली मेरे जितने भी लंच के काम थे वो हो गए, कि मैंने लंच भी कर लिया, उसके बाद बर्तन भी साफ हो गए। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी एज इट सीम्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब तुरंत हो जाएगा नहीं, समय लगता है, बहुत डिसिप्लिन लगता है। तो मुझे लगा था कि बहुत ही आसान होगा, बट इतना आसान है नहीं, जबकि मैं ये लाइफ थोड़े दिन पहले जी चुका हूँ तब भी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे सेक्शनल टेस्ट हो गए हैं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन। सेक्शनल टेस्ट हो गए, एनालिसिस हो गया, उसके बाद आई हैड माई लंच अभी करीबन 5 बजे के आसपास, अभी अभी 6 बज रहे हैं। तो अभी मुझे अपनी एडिटिंग कंप्लीट करनी है, वो बची हुई है। जैसे मैंने कहा था रोज़ व्लॉग्स आएंगे, तो शाम के टाइम मैं एडिटिंग करूँगा। और आज भी मैं बहुत ही लेट से उठा, बिकॉज मैं रात को बहुत लेट से सोया था। तो बहुत सारा जो पार्ट है ना, जो पढ़ाई का पार्ट है, वो वीडियो में नहीं आ पा रहा, पता नहीं मेरा बैटरी लो हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि रात के 12 बजे वाला के बाद ना वो कुछ नहीं आ पाता। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँ, तो मेरा जो शेड्यूल है थोड़ा ठीक हो। बट मैं पढ़ाई कुछ घंटे निकाल लेता हूँ और बाकी सब काम भी कर ले रहा हूँ, तो इट इज़ गुड, मतलब सही लग रहा है मुझे थोड़ा, और मतलब पहले से और डिसिप्लिन हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगा इन कंपेरिजन टू व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। अभी तो इनफैक्ट बहुत डिसिप्लिन हो गया हूँ। सो मैं अपने दोस्त के दादी के प्रेयर पास्ट में गया था, तो उसके बाद मुझे खाना तो नहीं बनाना पड़ा। तो हाँ, आज खाना डिनर का जो डिनर था वो नहीं हुआ। तो अभी करीबन 11:30-12 बज रहे हैं। सो अभी थोड़ा और पढ़ाई कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ाई तो नहीं हो पा रही बिकॉज बहुत सारा काम है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग भी है, ये सब है, तो उतना पढ़ाई नहीं हो पा रही। बट वी आर ट्राइंग टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी, एटलीस्ट दिन के 3-4 घंटे निकाल ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको धीरे धीरे करके और इंक्रीज ज़रूर करेंगे। सो अभी तो मैं जा रहा हूँ, एक मेरा लॉजिकल रीजनिंग का एक टेस्ट है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ी रीडिंग कर लूँगा, एंड आई विल एंड माय डे एट ऑलमोस्ट 1 o'clock, रात के 1 बजे। और कल फिर 7 बजे उठना है। कल का शेड्यूल मैंने आपको नहीं दिखाया, वो ज़रूर मैं दिखाऊंगा कल का शेड्यूल है क्या। तो करीबन देखो 10 से 12 ही क्लासे, फिर 12:30 से 2:30, यानी 5-6 घंटे, और ट्रैवलिंग मिला के करीबन 5-6 घंटे, 6.5 घंटे जाने वाले हैं। तो इसीलिए यही दिक्कत हो जाता है कि फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। हाँ, बट ये क्लासेस भी ज़रूरी है, तो इसको भी कंप्लीट ज़रूर करना पड़ेगा, इसको मिस नहीं कर सकते। सो फाइनली माई डे इज कमिंग टू एन एंड। तो अभी जो मेरा टेस्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, रीडिंग नहीं कर पाया मैं बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, एंड मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह 7 बजे उठना है। तो मैंने आपको दिखाया अभी कि शेड्यूल मेरा क्या है, तो कल 5 घंटे के क्लासेस है, तो इट्स गोना बी वेरी वेरी हेक्टिक। उसके बाद एडिटिंग भी है, फिर सेल्फ स्टडी भी है, खाना भी बनाना है, सो इट्स पर कल तो पता नहीं यार क्या होगा, जिम भी है साथ में, आज रेस्ट डे था, कल रेस्ट डे नहीं रहेगा, कल जिम जाना पड़ेगा, सो इट विल बी मोर एंड मोर हेक्टिक, बट संभालना पड़ेगा यार, वी हैव टू मैनेज दीज थिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू बी अ मैनेजर। तो ये हेक्टिक शेड्यूल तो अभी से अपने आपको देना पड़ेगा कि वी कैन डू दिस। सो हाँ, मेरे टेस्ट हो गए आज, मेरे एनालिसिस हो गए, तो आई एम रिलाइंग मोर ऑन टेस्ट अभी, बिकॉज मेरे कोचिंग में भी कुछ बहुत सारी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, सो मैं सेल्फ स्टडी करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं टेस्ट, मतलब मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ कि मेरा जो रिजम है ना वो ना टूटे। तो LR के टेस्ट, इंग्लिश के टेस्ट, टेस्ट एनालिसिस, तो वो सब अभी चल रहा है। सो एक बार मेरा कोचिंग थोड़ा बंद हो जाए ना GDPI के बाद, सो देन आई कैन बी फ्री, एंड देन आई कैन बी लाइक वो मैं अपना रूटीन बना के फिर मैं फॉलो कर पाऊँगा। सो अभी 2-3 घंटे भी दिन के निकालना है, समथिंग कंसिस्टेंट रहना है, 2-3 घंटे भी कम नहीं है मेरे लिए, ठीक है अभी कंसिस्टेंटली उसको निकालना है, बट अभी समय बहुत कम है। आज मेरी बात हुई बहुत सीनियर से,
कि कैसा गया उनका एग्जाम, सबका यही था कि मैथ्स वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो मैंने जो एक बात सीखी है ना फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दिस ईयर कैट 2023, वो ये रहेगा कि यार आई शुडेंट बी रिलाइंग अपॉन वन सेक्शन, जो कि मेरा फोर्ट है इंग्लिश. तो मुझे लगता है इंग्लिश में आई कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, मेहनत करूँ तो और सही रहेगा, तो उस पर ज़्यादा रिलाई करूँगा. आई विल बी मोर सब्जेक्टिव टूवर्ड्स दैट, बट आई शुडेंट बी, बिकॉज जो भी मेरे कोचिंग के कुछ टॉपर्स हैं, मेरे भैया भी हैं, तो वो लोग इंग्लिश में काफ़ी अच्छे हैं. तो आज उनके साथ वही हुआ कि इंग्लिश का तो उन्होंने कर लिया, बट मैथ्स का उतना उनका थोड़ा पीछे रह गया. अब सोचो कि मैं इंग्लिश करके जाऊँ, और हमारे सर ने पहले बताया था हमें कि इंग्लिश करके जाओ, कोई पर्टिकुलर सेक्शन को आप बायस्ड होके जाओगे, और वही सेक्शन बहुत ही टफ आ गया, तो कहाँ जाओगे. तो जो लोग भी आज मैथ्स में बायस्ड हो गए थे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे मैथ्स से उठाने हैं, तो सोचो उनका क्या हालत हुआ होगा यार. मतलब इट वुड बी सो डिफिकल्ट, और इंग्लिश ईजी था, तो जब इंग्लिश थोड़ा सा भी कोई मॉडरेट लेवल पर के जाता तो उसका हो जाता. सो दैट इज़ समथिंग. और थोड़ा पैटर्न में भी चेंजेस हुए हैं, लगता है कि एलजेब्रा के क्वेश्चन ज़्यादा थे अरिथमेटिक से, जो कि बराबर होते हैं बट इस बार थोड़े ज़्यादा थे, तो उसकी भी तैयारी करनी है. अलजेब्रा आई इट्स हॉरेबल. अरिथमेटिक मैं कर लेता हूँ, बट अलजेब्रा में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, बट उस पर भी काम करना पड़ेगा. तो हाँ, बहुत सारे लर्निंग्स है. अब तो कल कोचिंग जाऊँगा, लगातार 2-4 दिन कोचिंग है मेरी, तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है भाई. मतलब एनालिसिस जब होगा तो पता चलेगा क्या है. बट एनीवे, बट अभी सोच के फायदा नहीं. सो ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू ऑल आर वेल. अब मिलते एक नए ब्लॉग के साथ कल. अब तो डेली ही व्लॉग्स आ रहे हैं रेगुलर, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू सब चीज़ कंसिस्टेंसी से मेंटेन करने के लिए. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.